हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप चींटियों को अपने प्लांट से दूर रख सकते हैं। कई बार होता क्या है, जो हमारे गार्डन में लगे हुए प्लांट्स होते हैं तो उनमें चींटियां लग जाती हैं। जो उनकी मिट्टी होती है वो भी कई बार हम देखते हैं कि वो ऊपर तक आ जाती है, या फिर जब हम पानी देते हैं तो पानी जितना भी हम देते हैं वो उतना सारा का सारा ड्रेन हो जाता है। तो चींटियां किस तरीके से हमारे प्लांट्स के लिए खतरनाक हैं और किस तरीके से लिटिल बिट उसका एडवांटेज भी है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। चींटियां हमारा जो इकोसिस्टम होता है उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। इसके अलावा जो चींटियां हैं हमारे जो बगीचे में जितने भी प्लांट्स होते हैं उसके अंदर जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं या वो कीड़े जो कि हमारे प्लांट्स को डैमेज कर सकते हैं, तो ये उनको भी हमारे प्लांट से दूर रखती हैं। जैसे सपोज कीजिए मेरा प्लांट है, इसमें आपको चींटियां ऊपर नीचे करती हुई दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब इस प्लांट में या तो मिली बग्स हैं या फिर एफिड्स हैं या इसमें कोई ना कोई इंसेक्ट इस प्लांट को अटैक कर रहा है। आप बहुत आसानी से इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मैं देखूं अपने किसी भी प्लांट में, तो अभी तो फिलहाल मेरे किसी भी प्लांट में आपको चींटियां नहीं दिखाई देंगी, लेकिन कुछ चींटियां होंगी, लेकिन वो मैं उनको कभी नहीं भगाती क्योंकि मेरे को पता है कि उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। जो आप मेरे प्लांट देख रहे हैं इसमें आपको एक भी चींटी जैसे दिखाई नहीं देगी, लेकिन मैं अभी जैसे देख रही हूँ आपके सामने तो एक दो चींटियाँ हैं, ज़्यादा नहीं है बट एक दो चींटियाँ दिखाई दे रही हैं। टेबल क्या होता है, जो हमारी ये जो सॉइल देख रहे हैं इस गमले की, ये सॉइल इस तरीके से दिखने स्टार्ट हो जाएंगी जब ज़्यादा चींटियाँ हो जाएंगी और जब वो अपनी कॉलोनीज को अच्छे से बिल्ड कर लेंगी। लेकिन अभी तो मेरे को अपने इन प्लांट से कहीं भी चींटियाँ नहीं दिखाई दे रही। हाँ, ये बहुत अच्छा हुआ कि मेरे को दिख गई। ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा होल हो रहा है, यानी कि यहाँ पे चींटी अपनी कॉलोनीज को बिल्ड कर रही है। बट ये मेरे लिए तब तक खतरनाक नहीं हो सकता जब तक जितने भी आपको ये मिट्टी ये दिख रही है जितनी भी ये सारी उठी हुई ना हो, ये सिर्फ एक ही जगह उठी हुई है। और सबसे अच्छी बात यह है, जो काली चींटियाँ होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं प्लांट के लिए, लेकिन जो रेड कलर की चींटियाँ होती हैं वो खतरनाक होती हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक ही होती हैं। यहाँ तक कि वो जब हम लोगों को भी काट लेती है तो हमें पता है उसका क्या असर होता है। ये देखिए, ये जो चींटी दिख रही है ब्लैक कलर की है, तो मेरे प्लांट्स में सबसे ज़्यादा ब्लैक कलर की चींटियाँ ही आपको देख लीजिए मिल जाएंगी। जब चींटियाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे गार्डन में आपको दिखाई देने लग जाएं तो आपको क्या करना होगा, आपने वाइट विनेगर देखा ही होगा। वाइट विनेगर हमारे किचन से निकल के आता है, ये हम बहुत सारे फूड पर्पज़ में यूज़ करते हैं। तो जो ये वाइट विनेगर है आप इसकी दो टेबल स्पून लीजिए इसको, और इसको पानी में अच्छे से मिक्स कर दीजिए। 1 ग्लास वाटर में आप इसके 2 टेबल स्पून ले सकते हैं और उसको मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद आपके जितने भी प्लांट्स हैं आप उसमें अच्छे से इसको स्प्रे कर सकते हैं, और यकीन मानिए जो चींटियां हैं वो प्लांट से दूर भाग जाएंगी। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट आता है इंग्रेडिएंट वो है आपकी दालचीनी। दालचीनी को भी हम बहुत ज़्यादा फूड पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो जो ये दालचीनी का आपको ये टुकड़ा दिख रहा है, आप ये टुकड़ा लीजिए, या तो आप इसको क्रश कर सकते हैं, और अगर आप क्रश नहीं भी कर रहे हैं तो आप इसको 1 ग्लास पानी के अंदर डुबो के 2 दिन के लिए रख दीजिए। जब ये अच्छे से सबमर्ज हो जाएगा पानी में तो आप उस पानी को अपने किसी भी प्लांट्स में दे सकते हैं जिसमें सबसे ज्यादा चींटियां लग चुकी हैं। आपका जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो भी हमारे किचन से ही निकल के आता है।
आप हींग लीजिए, एक स्पून आप हींग लीजिए, और उसमें जो हमारे हैंड वॉश होते हैं घर में, तो वो हैंड वॉश यूज कर सकते हैं। आपके पास कोई भी हैंड वॉश है, जैसे मेरे पास जैसे डिटॉल का, तो इसी तरीके से आपके पास भी जो भी हैंड वॉश है उसको थोड़ा सा सॉल्यूशन में मिक्स कीजिए, हींग डिटॉल प्लस थोड़ा सा ऑयल, ऑयल कोई भी चलेगा, अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल है तो उसकी भी दो ड्रॉप्स आप डाल सकते हैं, या आपके पास नीम ऑयल है आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो जो ये सॉल्यूशन बना है, ये सॉल्यूशन भी आपकी चींटियों को बहुत अच्छे तरीके से भगा सकता है, यहाँ तक कि अगर उसमें कीड़े भी लग चुके हैं तो ये कीड़ों को भी बहुत अच्छे से खत्म कर देगा। आपको चौथा इंग्रेडिएंट कौन सा यूज करना है, आप टर्मरिक लीजिए। टर्मरिक लेने के बाद यानी हल्दी लेने के बाद उसमें काली मिर्च का थोड़ा सा पाउडर मिक्स कर दीजिए। उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद आप उसको ऐसे ही अपने प्लांट्स में दे सकते हैं, स्प्रिंकल कर सकते हैं, या फिर आप इसको भी पानी में अच्छे से एक सॉल्यूशन बना के अपने किसी भी प्लांट्स में दे सकते हैं। यकीन मानिए इस सॉल्यूशन को भी यूज करके आप बड़े आराम से चींटियों को भगा सकते हैं। लेकिन मैं सबसे ज्यादा, वैसे तो मेरे यहाँ पे चींटियां नहीं लगती हैं, लेकिन अगर इन केस कभी लगती हैं तो मैं क्या करती हूँ, मैं सबसे ज्यादा टर्मरिक का यूज करती हूँ। थोड़ी सी टर्मरिक लेने के बाद अगर आप उसको हर 10 दिन में ऐसे ही स्प्रिंकल कर देंगे अपने किसी भी प्लांट्स में, तो ये फर्टिलाइजर का भी काम करेगा, और फर्टिलाइजर के साथ साथ ही आपकी चींटियों को या आपके जो भी इंसेक्ट्स लगे हैं हमारे प्लांट्स में उनको भी बहुत बेहतर तरीके से भगा देगा। या फिर जो कीड़े लगे हैं उनको भगाने के लिए क्लॉव का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि लौंग का भी यूज कर सकते हैं। जो लौंग होती है आप उसका नॉर्मली पाउडर बना लीजिए, पाउडर बनाने के बाद आप उसमें थोड़ा सा ऑयल की ड्रॉप्स को ऐड कर दीजिए। हम ऑयल की ड्रॉप्स को इसलिए ऐड करते हैं क्यों, क्योंकि अगर जब भी हम स्प्रे करेंगे तो वो ऑयल की हेल्प से अच्छे से पेस्ट हो जाएगा, वो जल्दी से अगर हम पानी भी देंगे तो भी वो नहीं हटेगा, तो इसी वजह से हम हर सॉल्यूशन में ऑयल का यूज करते हैं। फिटकरी तो बहुत आसानी से हर घर में मिल जाती है, आपको क्या करना है कि 10 ग्राम फिटकरी लेके 1.5 लीटर पानी में उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद जो आप सॉल्यूशन को यूज करेंगे वो एक दिन बाद सॉल्यूशन को यूज करेंगे, क्योंकि एक दिन में वो बहुत अच्छे तरीके से डायल्यूट हो जाएगा, और इस सॉल्यूशन को आप अपने किसी भी प्लांट्स में डाल सकते हैं। फिटकरी को बेसिकली हम फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, जो एलम हो गया हमारी फिटकरी है उसको बहुत अच्छे से पानी में मिक्स करके आप अपने सारे प्लांट्स में दे सकते हैं। जरूर बताइएगा कि किस तरीके से आपने कौन से सॉल्यूशन का यूज किया है और किस तरीके से आपने अपनी चींटियों को टाटा बाय बाय बोल दिया है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।